मे का अगला यूज है पर्पस बताने के लिए। हम पर्पस बताने के लिए मे का यूज़ भी करते हैं और माइट का यूज़ भी करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए सेंटेंस लिखता हूँ मैं, उसके द्वारा हम समझते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। जब भी हम पर्पज बताने के लिए मे या माइट मॉडल का इस्तेमाल करेंगे तो जो सेंटेंस होगा वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, उसमें दो क्लाज होंगी, एक प्रिंसिपल क्लाज होगी, एक सबॉर्डिनेट क्लाज होगी। तो यहाँ पे ही वर्क्स हार्ड, ये यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये यहाँ पे सो दैट ही मे पास, ये यहाँ पे सबॉर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल क्लॉज में जो क्रिया होगी, जो वर्ब होगी, जिस एक्शन के बारे में बताया जा रहा होगा प्रिंसिपल क्लॉज में, उस एक्शन का पर्पज़ क्या है, यह बताने के लिए सबॉर्डिनेट क्लॉज में मे मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, जैसे ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है, क्यों करता है, क्या पर्पज है उसका कठिन मेहनत करने का, तो सो दैट ही मे पास, ताकि वो पास हो जाए। तो पास होना ये पर्पज़ है, किसका पर्पज़ है, कठिन मेहनत करने का। तो यहाँ पे मे मॉडल का इस्तेमाल किया गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव। ठीक है, वी ईट, हम खाना खाते हैं, सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रह सकें। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्लॉज है और यहाँ पे ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, दो क्लॉजेज हैं इसमें। तो प्रिंसिपल क्लॉज में जो एक्शन है, जो वर्ब है, उसका क्या उद्देश्य है, ये उद्देश्य आगे बताया गया होगा सबॉर्डिनेट क्लॉज में, और जो उद्देश्य बताया गया होगा वहाँ पर हम मे या माइट मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, वी ईट, हम खाना खाते हैं। अब खाना खाने का अर्थात इस वर्ब का क्या पर्पज़ है, किस पर्पज़ के लिए हम खाना खाते हैं, तो उसका पर्पज़ जो है वो आगे दिया गया है, सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रह सकें। तो यहाँ पे मे मॉडल का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से हम जो है पर्पज़ बताने के लिए मे मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल उठता है कि हम माइट का इस्तेमाल कब करते हैं, जब पर्पज़ के बारे में हम बता रहे होते हैं तो माइट का इस्तेमाल कब करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो पर्पज़ है वो प्रेजेंट का पर्पज़ है। ठीक है, हमारे बोलते समय जो हम बोल जब जिस समय बोल रहे होते हैं उस समय का पर्पज़ है। तो यहाँ पे प्रेजेंट का पर्पज़ है, ये कहाँ से पता चला हमें, ये वर्ब से पता चला। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जब प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, इसका मतलब ये होता है कि हम प्रेजेंट के पर्पज़ के बारे में बता रहे होते हैं, और ऐसे में हमें मे मॉडल का इस्तेमाल करना है। अगर यहाँ पर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म कर दें और हमारा सेंटेंस ये हो जाए, ही worked hard so that he dash pass, अब हमारा पर्पज़ जो है वो पास्ट का पर्पज़ बन चुका है, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो ऐसे में हम यहाँ पे माइट का इस्तेमाल करेंगे, माइट। ठीक है, इसी तरह से ये है, ये सेंटेंस है, अगर हम इस ईट को सेकेंड फॉर्म बना दें तो पास्ट का पर्पज़ हो जाएगा वी एट, हम खाना खाते थे, सो दैट, ताकि वी माइट लिव। ठीक है, तो ये पास्ट का पर्पज़ है। तो इस तरह से जब प्रेजेंट का पर्पज़ होता है तो हम मे मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट का पर्पज़ होता है तो हम माइट मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट का पर्पज़ है या पास्ट का पर्पज़ है, ये हमें मेन क्लॉज में अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज में जो वर्ब दी गई होती है उससे पता चलेगा। अगर प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब प्रेजेंट पर्पज़ के बारे में हम बता रहे हैं, और ऐसे में हम जो है पर्पज़ बताने के लिए सबॉर्डिनेट क्लॉज में मे मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म है अर्थात पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, तो इसका मतलब है कि पास्ट पर्पज़ के बारे में बताया जाना है, और ऐसे में हम जो है सबॉर्डिनेट क्लॉज में जहाँ पे पर्पज़ बताएंगे हम, वहाँ पे हम माइट मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है पर्पज़ बताने के लिए मे और माइट का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम दो सिचुएशंस में हम मे और माइट का सीख चुके हैं। पहला है परमिशन बताने के लिए, दूसरा है पर्पज़ बताने के लिए, तीसरा है विश।
ठीक है, या हम कह सकते हैं प्रे। जब भी हम किसी के बारे में भगवान से दुआ करते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में भगवान से दुआ करते हैं, तो हम मे मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। हम किसी को श्राप देने के लिए, किसी को कर्ज करने के लिए हम मे मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, कई बार हम कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू सक्सीड इन द एग्जाम, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, मे गॉड ब्लेस हर विद ए सन, ठीक है। तो इन सभी सेंटेंसेस में जो है, कोई व्यक्ति है जो स्पीकर है, मतलब वो किसी के भलाई के लिए या किसी के लिए भगवान से दुआ कर रहा है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी जो है आयु हो वो लंबी हो, तो दुआ की जा रही है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें ब्लेस करे। मे यू सक्सीड इन द एग्ज़ाम, भगवान करे तुम एग्ज़ाम में जो परीक्षा है उसमें सक्सेस हो, सफलता मिले तुम्हें। मे हर सोल रेस्ट इन पीस, भगवान करे जो उसकी आत्मा है वो शांति, उसको शांति मिले। मे गॉड ब्लेस हर विद ए सन, भगवान करे उसको पुत्र प्राप्ति हो। तो इन सभी सेंटेंसेस में जो है मे मॉडल का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है, ठीक है। हालांकि ऐसे सेंटेंसेस में जो मे मॉडल है उसको हम सेंटेंस के शुरू में यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट में हम जो है क्वेश्चन मार्क वगैरह कुछ नहीं यूज करते हैं। तो जब भी हम भगवान से दुआ करते हैं किसी के लिए, तो हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं, मे को शुरू में रखते हैं, और इस तरह से हम सेंटेंस बना के भगवान से दुआ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भगवान से प्रे करने के लिए या भगवान से विश करने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। हम कर्ज करने के लिए अर्थात किसी को श्राप देने के लिए भी हम जो है मे मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मे यू डाई सून, ठीक है, मे यू डाई सून, भगवान करे तुम जल्दी से मर जाओ। तो इस तरह से हम कर्ज करने के लिए भी मे मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, और किसी के लिए दुआ करने के लिए भी हम मे मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बात आती है पॉसिबिलिटी कि भाई हम पॉसिबिलिटी के लिए हम मे मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो अगला हमारा जो यूज है वो है पॉसिबिलिटी। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, जब भी हम किसी से भगवान से दुआ करते हैं किसी के बारे में, या किसी को श्राप देने के लिए मे मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके ऐसे में हम माइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। हम माइट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं ऐसी सिचुएशन में, किसी को विश करने के लिए या किसी के बारे में प्रे करने के लिए हम माइट मॉडल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ मे का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए पॉसिबिलिटी के लिए हम मे या माइट दोनों का यूज़ करते हैं। तो देखिए, पहले दो सेंटेंस लिखता हूँ मैं, दोनों में फिर डिफरेंस देखेंगे। जैसे सोहन मे अटेंड द मीटिंग, ठीक है, सोहन मे अटेंड द मीटिंग। अभी हम यहाँ पर लिखते हैं सोहन माइट अटेंड द मीटिंग। सोहन में अटेंड द मीटिंग का मतलब है, देखिए यहाँ पे मे का यूज़ किया गया है, यहाँ पे माइट का यूज़ किया गया है। तो सोहन में अटेंड द मीटिंग का मतलब है कि इट इज़ पॉसिबल, कि भाई ऐसा संभव है कि सोहन मीटिंग अटेंड करे, ठीक है। और यहाँ पे भी इसका यही मतलब है कि सोहन माइट अटेंड द मीटिंग का मतलब है कि सोहन हो सकता है, ये पॉसिबल है कि सोहन मीटिंग अटेंड करे। सोहन में अटेंड द मीटिंग, इसका मतलब ये है परहैप्स सोहन will attend the meeting, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? ऊपर वाले में मे का यूज़ किया गया, इसमें माइट का यूज़ किया गया, तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है
कि जब हम मे का इस्तेमाल करते हैं तो जो कोई भी कार्य के होने की जो पॉसिबिलिटी होती है, जो संभावना होती है, वो 50% होती है, ठीक है। लेकिन जब हम माइट का यूज़ करते हैं तो किसी भी कार्य के होने की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, वो 30% होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, पॉसिबिलिटी को जाहिर करने के लिए भी हम जो है मे मॉडल का इस्तेमाल या माइट मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो है पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा हम जो है कैन का इस्तेमाल भी करते हैं। ये कैन का इस्तेमाल जो किया जाता है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई कब हम मे का यूज़ करेंगे, कब हम कैन का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए जो है फैक्चुअल पॉसिबिलिटी अगर होती है, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी का मतलब होती है दो चीज़ें ले लेते हैं, एक तो ले लेते हैं जैसे कि पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई पॉसिबिलिटी है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में हम बता रहे हैं, या हम एक जनरल सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। जनरल सिचुएशन है तो पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम किसी पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं तो हम वहाँ पे मे का यूज़ करते हैं, और अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, किसी जनरल सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं तो हम कैन का यूज़ करते हैं। अब पर्टिकुलर सिचुएशन क्या होती है, पर्टिकुलर सिचुएशन होती है वो सिचुएशन जो होती है वन टाइम होती है, वो वन पर्सन से रिलेटेड होती है और वो वन प्लेस से रिलेटेड होती है, ठीक है। सिर्फ वन टाइम, वन पर्सन, वन प्लेस से रिलेटेड होती है, लेकिन ये जो जनरल सिचुएशन जो होती है ये फॉर मैनी पीपल, ठीक है, ये जो होती है ये मैनी पीपल से रिलेटेड होती है, फॉर मैनी प्लेसेस से रिलेटेड होती है, और ये मैनी टाइम से रिलेटेड होती है। किसी पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं हो रही होती, ये किसी भी टाइम की बारे में बात हो सकती है। जैसे अगर मैं कहूँ सोहन मेक ए मिस्टेक, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम नहीं होता है, भाई सोहन में मेक ए मिस्टेक, सोहन एक गलती कर सकता है, तो इसका मतलब मैं किसी पर्टिकुलर, हमेशा सोहन गलती नहीं करता है, मैं किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में बता रहा हूँ कि भाई इस मैटर में वो गलती कर सकता है। तो वन पर्सन है और वन टाइम सिचुएशन है, ठीक है, ये वन टाइम एक्शन है, मतलब ये एवरी टाइम गलती नहीं करता है, ये सिर्फ मैं संभावना लगा रहा हूँ, पॉसिबिलिटी यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि वो इस मैटर में, कोई खास मैटर होगा उसमें गलती कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एनीवन कैन मेक ए मिस्टेक, ठीक है। अब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में नहीं कहा जा रहा और किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में नहीं बताया जा रहा, गलती किसी से भी हो सकती है, मतलब जो है कोई भी व्यक्ति कभी भी गलती कर सकता है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। तो ये जो जब हम पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई पॉसिबिलिटी शो करते हैं तो हम मे मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम किसी जनरल सिचुएशन में किसी पॉसिबिलिटी का जिक्र कर रहे होते हैं तो हम माइट का यूज़ करते हैं, सॉरी हम कैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था जो है कि किस प्रकार से हम जो है पॉसिबिलिटी शो करने के लिए हम जो है मे और कैन का यूज़ करते हैं। अब माइट का यूज एक और भी होता है जिसको हम अभी समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा, कि भी जो माइट होता है वो मे के पास्ट टेंस के लिए भी यूज होता है। अभी तक देखा है हमने जितने भी रूल पढ़े हैं, जितने भी यूजेस पढ़े हैं, उसमें हमने ज़्यादातर मे का यूज़ पढ़ा है, सॉरी हम प्रेजेंट का यूज़ पढ़ा है, कि जो है प्रेजेंट में हम मे या माइट का यूज़ कैसे करते हैं। और हालांकि हमने माइट को कुछ सिचुएशन में पास्ट से भी रिलेट किया है, ठीक है, और वो मैंने आपको चीज़ें क्लियर भी कर दी हैं। तो ये जो मे है, ठीक है, ये जो मे है इसका पास्ट टेंस होता है माइट। अब ये जब कोई चीज़ हम इनडायरेक्ट वे में लिखते हैं, कुछ चीज़ें, कुछ सेंटेंस जैसे होते हैं जो डायरेक्ट वे में लिखे जाते हैं, डायरेक्ट रूप से लिखे जाते हैं, तो डायरेक्ट वे में लिखते समय अगर कोई सेंटेंस है वहाँ पर अगर हम मे यूज़ कर रहे हैं, और अगर उसको हम इनडायरेक्ट वे में लिखेंगे और फिर हम जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, तो फिर मे का माइट हो जाता है। जैसे मैंने लिखा मे आई कम इन, ठीक है, ये लिखा मैंने, तो अब यहाँ पे मे है। तो जहाँ पे भी मे का यूज होता है, जितने भी सिचुएशंस मैंने बताई हैं यहाँ पे जिनमें मे का यूज़ किया जाता है, अगर उन सिचुएशंस को आप अगर इनडायरेक्ट वे में लिखेंगे
रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस यूज़ करेंगे तो फिर आपको माइट यूज़ करना होगा। जैसे इसी सेंटेंस को अगर मैं इनडायरेक्ट मतलब सॉरी अगर मैं डायरेक्ट वे में लिखूँगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ मे आई कम इन, लेकिन अगर मैं इनडायरेक्ट वे में लिखूँगा इसको तो ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे, द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर इफ ही माइट कम इन, ठीक है, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। और फिर ऐसे में हमें जो है ये जो मे है इसका हमें यहाँ पे माइट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जब भी हम मे का जो यूज है वो इनडायरेक्ट जो सेंटेंस हम लिखते हैं उनमें हम जो है अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम माइट का यूज़ करते हैं। तो ये थे मे और माइट का यूज़। कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।